आपका यूपी ब्लॉगर राध्या चैनल में। तो दोस्तों सुबह के जो है 6:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो हमने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमारी दीदी आने वाली हैं। तो चल रहे हैं फटाफट खाना बना लेते हैं उनके लिए, क्योंकि वो आ जाएंगे तो उनके आने से पहले हम फ्री हो जाएँ। जैसा हम आप लोगों से बोलते हैं लेकिन फ्री नहीं हो पाते, फंसे ही रहते हैं। तो आज हम लोग जल्दी फ्री होने वाले हैं, चल रहे हैं खाना बना लेंगे फिर वो आ जाएंगे। अभी वो सुल्तानपुर पहुंची हुई हैं। तो गाइस तो देखो चांदनी को चिड़ियों की आवाज़ सुन रही हूँ। पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है बोल रही हैं। जब इनका बाल बनाने की कोशिश करते हैं तो आगे फल ला लेते हैं। हाय गाइस बोलो। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। अभी सो के उठी हैं तो अभी बात नहीं करेंगी। तो चले हम जल्दी से नहा लें, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लें, मेंटेन हो जाए। भाई दीदी हमारी आ रही हैं, अभी वो आ जाएंगी। आप लोग पूछ भी रहे थे ना कि भाभी इस बार आपकी ननद नहीं आई, बहुत दिन हो गए उनको आए हुए। तो फाइनली आज हमारी ननद आ रही है हम लोग से मिलने के लिए। देखो इनको, तो चले आज घूमने, आपका इंतज़ार भी पूरा हो जाएगा और दीदी भी आ जाएंगी, हम सबसे मिल लेंगी। तो अरे यार हम बैठे क्यों हैं, चलो जल्दी से अपना काम कर ले। अभी उनके लिए हमें बहुत कुछ बनाना है। क्यों जानवी, चलो जल्दी से इन्हें लेट हो जाएंगे। हम आ गए हैं स्नान करके, हमने चाय भी पी लिया और दाल को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, उसकी सीटी आने वाली है। अभी थोड़ी देर में सीटी आ जाएगी, बोलेगी सी। तो हमने सोचा चलो फिर थोड़ी सी बात कर लें और आप लोग को दिखा दें कि मैंने ये ब्लू वाली साड़ी फिर से पहन ली है। और दूसरी थी ये वाली, दूसरी है लेकिन कलर एक ही है, सेम सेम है। तो इसमें जो है पतले से बॉर्डर लगे हैं, उसमें बॉर्डर वगैरह नहीं है, वो सिंपल सी साड़ी है। तो ये देखा जानवी आ जाओ। तो गए चले थोड़ा जानवी को जो है रेडी कर दें बाल वगैरह लाने के लिए। अभी हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, ठीक है? तो तकलीफ बाय। जैसे हमने जो है पूड़ी निकाला और चावल निकाला, दाल भी बन गया था और सब्जी को हमने गैस पे चढ़ा दिया था, तभी अचानक से दीदी का फ़ोन आया, बोली कि हम नहीं आ रहे हैं। अब बोलो क्या कहें, यही कहेंगे ना कि प्रियादीप ने मुझे धोखा दे दिया। इतनी मेहनत की यार, उनके लिए इतना सब कुछ बनाया और आखिरी टाइम पे दीदी आई ही नहीं। वैसे उन्हें कुछ काम था रास्ते में और बोले कि हमें वो भी करना है, और अगर घर आ जाएंगे तो जो जानवी हमारी है ना बिटिया रानी, जब उनकी बुआ आ जाती हैं तो गाड़ी पे बैठने के लिए ज़िद करती हैं और बोलती हैं कि मैं बुआ के साथ जाऊँगी। तो दीदी ने कहा कि अब घर कैसे आए, और जानवी आ जाएंगे तो जानवी गाड़ी पे आने के लिए ज़िद करेंगी कि बुआ मुझे लेके चलो, और यहाँ पे कोई जाने नहीं देगा क्योंकि अभी बहुत छोटी है ना, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, थोड़ा समझदार हो जाएंगी तो उसके बाद अपने बुआ के घर तो जाएंगी ही। लेकिन मेरी हालत तो पंचर हो गई। दीदी की खातिरदारी में हमने क्या क्या सोचा था, क्या क्या बनाया भी, और अब मन ही नहीं कह रहा है कुछ करने का, क्योंकि जब हम सुने कि दीदी आ रही हैं खुशी दुगनी बढ़ जाती है कि चलो दीदी आ रही हैं जल्दी से फटाफट खाना बना लें। हमने आप लोग को सुबह ही बता दिया था कि दीदी आ रही हैं, चलो जल्दी से खाना बना लें। तो हमेशा तो लेट हो जाते थे लेकिन अब की बार जो है ना, हम उनके आने से पहले ही हमने खाना बना लिया था, सब कुछ मेरा बन चुका था, सिर्फ सब्जी बाकी थी, वो भी हमारी पक रही है गैस। तो हम मजाक कर रहे हैं कि दीदी ने हमको धोखा दिया। आएंगी
आज नहीं आई तो कल तो ज़रूर आएंगी, पक्का आएंगी हमसे मिलने के लिए, मम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है ना, तो दीदी आएंगी उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आएंगी। आज मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है, और आज हम आप लोग के साथ कोई प्रोडक्ट का रिव्यू भी नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैठ जाती है प्रोडक्ट का रिव्यू लेके। हम तो यही सोचते हैं कि चलो आपके फ़ायदे के लिए हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए शेयर कर दें। आप लोग अगर कोई दिक्कत हो, अगर आपकी कोई जो भी हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं उसे यूज करके आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, यही सोच के हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाभी जब भी देखो तब आपके हर ब्लॉग में जो है रिव्यू रहता ही रहता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट का रिव्यू रहता है, तो इसलिए मेरा आज दिल नहीं किया। शेयर करेंगे लेकिन इस ब्लॉग में नहीं किए तो अगले ब्लॉग में करेंगे, क्योंकि जब हमने कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसी वजह से अब दिल नहीं कह रहा है कि जो है आज आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करें। और आज हमारी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, पता नहीं क्यों पेट में दर्द सा हो रहा है, कल रात से ही हो रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, हल्का हल्का सा दुख रहा है, ज़्यादा नहीं दुख रहा है, आप लोग परेशान मत होना, लेकिन हाँ हल्का सा हो, पता नहीं क्या हो गया है, कल रात से ही हुआ और अभी तक आराम नहीं हुआ, हमने दवा भी खाया लेकिन आराम नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा दिक्कत रहेगी तो दिखाना तो पड़ेगा ही, जाएंगे दिखा लेंगे, और अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, अगर ज़्यादा पड़ेगा तो दिखा लेंगे। आज मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, क्योंकि जब अच्छे कमेंट आते हैं तो दिल खुश हो जाता है, और जब हम आप लोगों के भले के लिए करते हैं और अगर कोई बैड कमेंट कर देता है तो बहुत बुरा लगता है, तब दिल नहीं करता कि एक काम करें हम, तब यही इच्छा होती है कि ना ही करें तो ही अच्छा है। मुझे पता है कि हमें कुछ करना नहीं आता, मुझे वीडियो बनाने का तरीका भी नहीं है, मैं एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ था, कहीं पे आना जाना नहीं था मेरा, मैं अपनी मम्मी के पास थी, मम्मी ने जैसा संस्कार दिया मैंने उसी संस्कार में हम पल भी गए, कभी बाहर नहीं देखे, दुनिया नहीं देखी, अपने मायके की हम बात कर रहे हैं, कभी वहाँ की दुनिया हमने नहीं देखा, मम्मी ने जैसे मुझे रखा हम वैसे ही रहे। हाँ जब आने के बाद यहाँ आए थोड़ी चेंजिंग मुझे आई, और क्योंकि जो हमारी दीदी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, हम उनको कभी बुरा नहीं कहेंगे, तो जो दीदी ने मेरे लिए किया मैं उसे आज भी नहीं भूल पाऊँगी। हाँ मैं उनकी एहसानमंद हूँ, उन्होंने जो मेरे लिए किया है, क्योंकि मुझे ये सच कहते हैं कि मुझे बोलने का तरीका नहीं था, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, काश कोई ऐसा कर सकता है और आज भी हेल्प करते हैं, तो हम बस मजाक कर रहे हैं कि प्रियादीप ने मुझे धोखा दिया, थोड़ी हंसी मजाक तो हो ही जाती है ननद भाभी की, और उनके ऊपर हम न व्यंग कस रहे हैं। और आप ये भी मत सोचना कि जो है इतनी खड़ोस ननद है, आई उतनी दूर से बोला भी और मिलने तक नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं, आज नहीं आई दीदी कल तो ज़रूर आएंगी, पक्का आएंगी, उन्हें ज़रूरत पड़ गई किसी काम की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसी वजह से वो नहीं आई, आप आई हमारे पास, लेकिन बहुत जल्द आएंगी मिलने के लिए। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना, जो भी आपको मन करे आप कर सकते हो, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो मेरे ऊपर व्यंग कस देना, अगर आपको अच्छी लगी हो तो भी आप मेरे ऊपर कमेंट कर सकते हो, जो आपका दिल करे आप कर सकते हो, हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप मुझे बुरा बोल रहे हो कि अच्छा बोल रहे हो, जो दिल करे आप कर सकते हो। हाँ भाई हो सकती है कि हमारे अंदर कुछ बुराइयाँ हैं, आप लोग को नहीं पसंद आ रही है, और कुछ लोगों को मेरी अच्छाइयाँ पसंद आती हैं, हाल को भी नहीं बनाया है, क्योंकि हमने आपको बताया ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसी वजह से आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, और मैं आप लोग के साथ रिव्यू भी नहीं शेयर करने वाली हूँ,
हाँ, अगर आप लोगों का दिल करेगा, बोलोगे तो हम रिव्यू ज़रूर शेयर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में कुछ भी नहीं शेयर करेंगे। चलो चलते हैं, क्योंकि हमें अभय को भी नहलाना है और जानवी को भी नहलाना है, और हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद ही मिलेंगे नहीं तो इसी पे वीडियो को स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये देखो, मुझे दवा खाए हुए लगभग, मैं आपको बता दूं कि हम दवा कब खाए थे। हमने दवा खाया था कल शाम को 8 बजे, और आज फिर दवा खा रहे हैं। देखो, आराम हो जाएगा नहीं तो हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। गाइज, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ बारिश हो रही, तो 3 हफ्ते से बारिश हो रही है। आज जो है बारिश रुकी हुई है, तो धूप भी निकला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मैं यहाँ पे आई हूँ, अपने घर के पीछे आई हूँ। तो ये जो आप लोग देख रहे हो दरवाज़ा, यहाँ पे ताला लटका हुआ है ना, तो ये जो है बाबा का रूम है, पीछे का है, तो इसी वजह से यहाँ पे ताला लगाया गया है, क्योंकि एकांत में है ये रूम। और तो यहीं हम आ गए थे आप लोगों से बात करने के लिए। आपको पता है हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, अभी सब लोग नहा रहे हैं, तो हमने सोचा चलो बाहर बात कर लेते हैं आप लोगों से, फिर अंदर में चलेंगे। तो हाँ गाइस, जब अब हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी दीदी आएंगी तो हम आप लोगों को ज़रूर उनसे मिलवाएंगे, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि भाभी ने झूठ बोला था, दीदी आई नहीं। लेकिन दीदी हमारी आ गई हैं, उनके ब्लॉग से आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलो हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय मेरे प्यारे दोस्त।